सड़क हादसे में दीप सिद्धू की हुई मौत। मंगेतर रीना गंभीर रूप से घायल। केएमपी पर देर रात सड़क हादसे में पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दीप सिद्धू अपनी मंगेतर के साथ गाड़ी में सवार होकर दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। पिपली टोल प्लाजा के पास सड़क हादसा हुआ जिसमें दीप सिद्धू की मौत हो गई। वहीं मंगेतर की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खरखोदा सीएचसी में रखवाया। बता दें कि दीप सिद्धू दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान उस समय और प्रसिद्ध हो गए थे जब उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया था। जानकारी अनुसार पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू अपनी मंगेतर रीना राय के साथ स्कॉर्पियो कार में सवार होकर दिल्ली से पंजाब के लिए चले थे। देर रात केएमपी पर खरखोदा के पास पिपली टोल प्लाजा के नज़दीक उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने तक दीप सिद्धू दम तोड़ चुके थे। वहीं उनकी पत्नी रीना राय भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पर पुलिस ने दीप सिद्धू के शव को खरखोदा के सीएचसी में रखवा है। वहीं रीना को भी खरखोदा सीएचसी लागा जहां पर उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या सूचना मिले थे? कुछ नहीं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली जी। एक मिनट भाई, जितने आना। क्या सूचना मिली थी? एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कि कल करीब 8 बजे ते आके असी देखिया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ते होर फर्स्ट प्रीलिमरी तो लग रहा भी एक्सीडेंट ही आ। बाकी सानू पुलिस एजेंसी जो कर रही आ सारी इन्वेस्टिगेशन उते फेथ आ ते बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ते आ। अच्छा, कहां दे देखिए, कानूनी अनुसार जो है 174 की कार्रवाई शुरू की गई है और गुरवालों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं। अब पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, लगभग इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और बोर्ड द्वारा हम ये पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वीडियोग्राफी साथ में की जा रही है। फोरेंसिक टीमों ने रात को निरीक्षण किया था, कुछ ऐसा कोई क्लू मिल पाया कुछ? देखिए, अभी जांच चल रही, जांच के बाद पता पता लगेगा। तो ड्राइवर के बारे में, जो ट्रक ड्राइवर था उसके बारे में कोई जानकारी है? अभी इसके बारे में पता नहीं लगा है और तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश में जो भी होगा आपके सामने लाया जाएगा। ट्रक जो है खराब खड़ा था या अचानक ब्रेक मारी इसने? देखिए, ट्रक वहाँ पे खड़ा हुआ था और पीछे से गाड़ी लगी है, ड्राइवर साइड गाड़ी लगी और अपने दीप सिद्धू की मौके पे मौत हो गई। सर, परिवार की तरफ से कौन आया? सर, परिवार की तरफ से उसके बड़े भाई आए हैं, उनका बयान लिए गए। साथी जो महिला दोस्त है उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? अभी वो अस्पताल में दाखिल है, चोटिल है वो, उनके बयान लिए जाएंगे। वो खरखोदा में दाखिल थी रात, वहाँ दाखिल नहीं, वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। अभी मुझे मालूम नहीं इस बारे में, उसके बताऊंगा आपको। सर, क्या ट्रक मूविंग पोजीशन में था या देखिए मैं रात को मौका पे नहीं गया था। रात को दूसरे डीएसपी साहब मौका पे गए थे। मैं, मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है, मैंने जो पता लगा मैं आपको बता दिया है। नहीं, अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे उसकी और अभी पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। सर, रात को आप मौके पर पहुंचे तो क्या देखा कि जो मेन साइड पर खड़ा था जो ट्राला था या साइड में खड़ा था? क्योंकि नहीं, वो जो है दीप सिद्धू वाली डैमेज हुई है। नहीं, वो ट्राला खड़ा नहीं हुआ था, वो भी अपनी तरफ जा रहा था, उसने ब्रेक ले लिए और पीछे से जो गाड़ी आई थी इनकी स्कॉर्पियो, उसके ब्रेक नहीं लग पाए, इसलिए तो कोई साजिश तो नहीं है क्योंकि कुछ इनके दोस्तों नहीं, अभी तो तफ्तीश चल रही है हमारी। साजिश भी हो सकती है, कोई प्लान नहीं। अभी हमारी तफ्तीश चल रही है। एसपी साहब भी अभी मौके पे गए हुए हैं, एसएचओ साहब भी यही है, तफ्तीश चल रही है। सर, मामला क्या दर्ज किया गया? अभी एक्सीडेंट डेथ का मामला दर्ज किया गया ड्राइवर और ट्रक ट्राला के खिलाफ। सर, नितिन जी, घायल महिला को उपचार के लिए भेजा गया? घायल महिला को खरखोदा हॉस्पिटल में थे जब हमारे को मिले थे, तो उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया था। वो उन्होंने उसको कहाँ एडमिट करवाया है वो अभी मुझे जानकारी नहीं। कल बताया उन्होंने क्या कोई बयान दिया या कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ बताया उसके बारे में? नहीं, वो उन्होंने बता दिया था कि वो जा रहे थे और ट्राला से एकदम से उसने ब्रेक लिए और एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ड्राइवर है या उसको पकड़ लिया गया है?
नहीं अभी ड्राइवर को अब नहीं पता। क्या सर आइडेंटिटी लोकेट कर रहे हैं क्योंकि नंबर उसका बहुत क्लियर है, विजिबल है, तो उसे क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ वो आइडेंटिटी लोकेट कर रहे हैं जिसका हमने नंबर ले लिया है साइबर सेल से, और अभी जल्द हमारी टीम में भी गई हुई है उसको नैप करने के लिए जल्दी। उसको ट्राले में लोड क्या था, क्या कुछ लोडेड था, कुछ पता लगाया कि नहीं? अभी उसके बाद उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। हाँ जी पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। सर यहां से कहां जा रहे थे? तीन डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम। कौन कौन है सर? अभी मेरे पे उसके परिवार ने बता दिया कि दीप सिद्धू जो है नशा नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज बरामद हुई गाड़ी में? नहीं अभी ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है, बाकी फोरेंसिक वालों ने पूरी गाड़ी को चेक किया है और जो भी वो रिपोर्ट देंगे उसकी। हाँ बिल्कुल हेड इंजरी है, उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ है उसमें। सर एक आखिरी सवाल, काफी बड़ा देश का सबसे बड़ा हाईवे है, टीएमपी का जो उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया था, लाइटें वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, बंद लाइटें थी, अंधेरे का समय था और जंपिंग बहुत ज्यादा है, वो NHAI का मैटर है उसके बारे में मैं कुछ। और इसलिए कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आप लोगों का क्या इसमें राय है? इस बारे में हमारे पास तो कोई इस तरह की बात आई नहीं है अभी तक कि कोर्ट मॉनिटर्ड है, ठीक है, हमने FIR रजिस्टर एक्सीडेंट डेथ की हुई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन।